बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कदर करनी है तो ज़िंदगी में करो। चेहरे से कफन उठाते वक्त तो नफ़रत करने वाले भी रो पड़ते हैं। जब लोग रास्ते अलग करने का फ़ैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले वो रابطے ख़त्म करते हैं। वक्त कितना भी बुरा हो गुज़र जाता है, लेकिन रवैये, लहजे और अल्फाज हमेशा याद रहते हैं। हर शख्स बाअसूल, हर शख्स बाज़मीर, अपनी ज़ात तक, ज़ाती मफाद तक। किसी की बदतमीज़ी से मत घबराएं, वो बस अपना तारुफ करवाते हैं। समझदारी इसी में है कि आप उन्हें पहचान कर आगे चल दें। कुछ लोग सच बोलते नहीं, उगलते हैं, क्योंकि उनका मकसद किसी की भलाई करना नहीं बल्कि जलील व रुसवा करना होता है। यकीन जाने जो किसी के साथ कुछ बुरा करता है वो अपनी ज़ात में उसकी सज़ा भुगत रहा होता है, बस हमें खबर नहीं होती। हिम्मत मत हारो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नहर ने आज तक किसी से नहीं पूछा कि समंदर कितनी दूर है। सब एक जैसे होते हैं, बस डसने का तरीका मुख्तलिफ होता है। इबरत हासिल करने के लिए कब्रिस्तान से अच्छी जगह और कोई नहीं है। दूध के साथ ये एक चीज़ खा लें तो फारिग होने के लिए नींबू या दही चाटना पड़ेगा। ज़ीरा पीस कर पाउडर बना लें। आधा चम्मच हम मिस्त्री से 2 घंटे कबल नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें, फिर रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। खबरदार, अपने नफ्स कुत्ते की ज़िंदगी ना चाह, क्योंकि वो मुद्दत से तेरी जान का दुश्मन है।